सो हाय एवरीवन, मैं हूं आप लोगों का होस्ट एंड दोस्त पुनीत सबनानी, और इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर मैं डिस्कशन करने वाला हूं आप लोगों से, दैट इज कॉपीराइट स्ट्राइक। इन दिनों में कॉपीराइट स्ट्राइक बहुत ज़्यादा आ रही है सोशल मीडिया अकाउंट पे। अगर आप अपने वीडियोस अपलोड करते हो और एक ऐसा म्यूजिक यूज़ कर लेते हो जिसका लाइसेंस आपके पास में ना हो, आपने ऐसे ही रैंडमली इंटरनेट से पिक किया, अपने वीडियोस में डाल दिया, तो इस वजह से कॉपीराइट स्ट्राइक का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। इवन मेरे चैनल पर भी आज से 2 साल पहले जब मैं लाइसेंस म्यूजिक नहीं यूज़ करता था, मुझे बहुत ज़्यादा कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाया करती थी, और इस वजह से मैं लाइसेंस म्यूजिक की तरफ शिफ्ट हो गया ताकि मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, अगर आप एक वीडियोग्राफर हो, अगर आप वेडिंग वीडियो शूट करते हो, आप शॉर्ट फिल्म शूट करते हो, डॉक्यूमेंट्री शूट करते हो, आप व्लॉग शूट करते हो, तो उसमें आप म्यूजिक कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो एंड में आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, बिकॉज मेरे पास एक कूपन कोड है जिससे आप फ्री में म्यूजिक वाली वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे कुछ टाइम के लिए। तो पूरा देखिएगा वीडियो को, चलते हैं, चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, साथ में मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी मैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और आप देख सकते हैं मैंने इस वेबसाइट को सर्च किया है। हम लोग इस वेबसाइट के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, artlist.io। तो Artlist एक बेसिकली कंपनी है जो कि लाइसेंस म्यूजिक सेल करती है। इससे पहले मैंने एपिडेमिक साउंड वाली वेबसाइट से सब्सक्रिप्शन ले रखा था आज से 1 साल पहले, बट अभी मैं शिफ्ट होकर के artlist.io पे चले गया हूँ। उसका रीज़न है ये, क्योंकि एपिडेमिक साउंड था उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। जो म्यूज़िक मैं डाउनलोड करता था वो केवल लिमिटेड था, और उस म्यूज़िक को मैं केवल अपने सोशल मीडिया रजिस्टर्ड अकाउंट पे ही यूज़ कर सकता था, जो कि मेरे खुद के अकाउंट है। इसके अलावा कोई और उसको अपलोड करेगा तो उसकी वेबसाइट पे, उसके चैनल पे और उसके सोशल मीडिया अकाउंट पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाया करती थी। व्हाई आई शिफ्टेड टू दिस artlist.io, बिकॉज ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसका सब्सक्रिप्शन जो है, इसका जो सब्सक्रिप्शन है वो बहुत ही वर्सेटाइल है, और इसके म्यूजिक को आप किसी भी टाइप के प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मैं एक ब्लॉगर हूँ तो मैंने जो इसमें से म्यूजिक डाउनलोड करा है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे यूज़ कर सकता हूँ, और मैं किसी और के चैनल पे भी उसे अपलोड करूँगा तो उसके चैनल पे भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी। मेरे चैनल के अलावा मैं किसी और के चैनल पे अपलोड कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैं एक कंपनी चला रहा हूँ वीडियो प्रोडक्शन की, और अगर मैं डॉक्यूमेंट्रीज, वेडिंग्स और शॉर्ट फिल्म अगर शूट कर रहा हूँ, तो वहाँ पर जो है म्यूज़िक बहुत महंगा खरीदना पड़ता है, स्पेशली डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फिल्म में। बट यहाँ पर जो म्यूज़िक आप इसका डाउनलोड करोगे वो म्यूज़िक वहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा। आप किसी क्लाइंट को अगर वो वीडियो शूट करके दे रहे हो विद दैट म्यूजिक, इसका जो म्यूजिक डाल के अगर आप दे रहे हो, तो आप उस क्लाइंट के भी चैनल पे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी। तो जो इसका सब्सक्रिप्शन है वो ओवरऑल 360 डिग्री चीजों को कवर अप करता है, और सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट भी बिल्कुल सेम है जो कि एपिडेमिक साउंड की देखने को मिलती थी मुझे। दैट्स व्हाई आई हैव शिफ्टेड टुवर्ड्स टू दिस वेबसाइट artlist.io। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ म्यूजिक किस तरीके से इनका आप सर्च कर सकते हो अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन ले लेते हो। तो बेसिकली यहाँ पे सर्च करने के लिए आपको क्या क्या ऑप्शन मिल जाते हैं म्यूजिक के अंदर, बेसिकली आप यहाँ पे म्यूजिक तो डाउनलोड कर ही सकते हो, साथ साथ में इस पे अनलिमिटेड SFX भी मिल जाता है। तो SFX बेसिकली छोटे छोटे 2-2 सेकंड की क्लिप्स होती हैं साउंड ऑडियो की, जिसमें आपको लोगों की तालियों की आवाज़, पानी के गिरने की आवाज़, आपको किसी भी टाइप का ऑडियो सर्च करना हो वो ऑडियो आपको मिल जाएगा। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं जाऊँगा SFX में, मुझे चाहिए थीम वेदर की, और बारिश की मुझे ऑडियो चाहिए। मेरे को किसी मेरे वीडियो में अगर बारिश का ऑडियो ऐड करना है तो आप देखिए कैसे आपको बारिश की आवाज़ सुनाई देगी, आप सुन सकते हैं राइट, बारिश की आवाज़, आपको बारिश का जो ऑडियो है, बारिश का साउंड है वो आपको मिल जाएगा। इस तरीके से अनलिमिटेड इसके ऊपर एक्सेस अवेलेबल है, अनलिमिटेड जो थीम्स हैं वो अवेलेबल है, SFX अवेलेबल हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। अब मुद्दे की बात आते हैं म्यूज़िक के ऊपर, म्यूज़िक कैसे सर्च किया जा सकता है। तो म्यूज़िक सर्च करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे बहुत इजी तरीका है, एक तो आप सर्च तो कर ही सकते हो यहाँ पे सर्च बार पे आके जो भी आपको स्पेसिफिक मूड के हिसाब से म्यूज़िक सर्च करना है, बट यहाँ पे थीम वाइज, मूड वाइज, जॉनर वाइज और इंस्ट्रूमेंट वाइज भी आप अपने म्यूज़िक को सेग्रीगेट करके सर्च कर सकते हो। जैसे मैं बताता हूँ, सबसे बेस्ट जो ऑप्शन मुझे पर्सनली लगता है, आप मूड सेलेक्ट कर सकते हो। तो मूड आपको किस टाइप का चाहिए, मुझे चाहिए कि थोड़ा सा हैप्पी मूड हो, मैं हैप्पी सेलेक्ट कर लूँगा। वीडियो की थीम क्या है आपकी, अगर आप एक वेडिंग के लिए जा रहे हो, आप अगर डॉक्यूमेंट्रीज के लिए जा रहे हो, एजुकेशन, फूड, टाइम लैप्स, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, व्लॉग, तो मैं यहाँ पे व्लॉग सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मुझे व्लॉग के लिए म्यूज़िक चाहिए राइट नाउ। जोनर सेलेक्ट करूँगा मैं, आप यहाँ पे किस टाइप का चाहिए आपको, इलेक्ट्रिक चाहिए, हिप हॉप, पॉप चाहिए, साउंड म्यूज़िक, सिनेमैटिक चाहिए, तो मैं अकॉस्टिक सेलेक्ट करूँगा। और इंस्ट्रूमेंट भी आप बाय द वे सिलेक्ट कर सकते हो, आपको कीबोर्ड, पियानो, सिंथेसाइजर, वोकल चाहिए, आप वो जो भी आपको स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको वोकल दिखाता हूँ सिलेक्ट करके कैसा आपको वोकल सुनाई देगा। और अब यहाँ पे ये म्यूज़िक सारा अकॉर्डिंग टू जो मैंने प्रेफरेंस डाली उसके हिसाब से सेग्रीगेट होकर के मेरे को यहाँ मिल गया।
अब मैं प्ले करता हूँ एक म्यूजिक को आपको आपके सामने। तो आप देख सकते हैं कि कितना प्रोफेशनल म्यूजिक आपको मिल जाता है इसके ऊपर। एक्चुअली में बहुत ज़्यादा हाई लेवल का म्यूज़िक मिल रहा है आपको, जो आप अपने कमर्शियल वर्क, डॉक्यूमेंट्रीज, वेडिंग व्लॉग्स में ऐड कर सकते हो, और आपके वीडियो के लुक एंड फील को पूरा वो चेंज कर देता है। तो डेफिनेटली आप इसे ट्राई आउट करके देखिएगा। इस तरीके से आप पूरी लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हो। आप डाउनलोड कैसे करना होता है, जो भी म्यूज़िक आपको पसंद आया आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है, कार्ट पर क्लिक करना है, आपके कार्ट में वो म्यूज़िक जो है वो आपका ऐड होने लग जाएगा। ठीक है, देखिए आपको कार्ट पर ऐड हो गया, आपके कार्ट पर ऐड हो गया, कार्ट पर ऐड हो गया, राइट। अब सिंपली आपको कार्ट पे जाना है और चेकआउट कार्ट करना है। तो ये जो म्यूज़िक है ये आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पे चले जाएगा और आपकी मेल आईडी से डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन भी आपके सामने लिखा गया है। तो इस तरीके से ये वेबसाइट वर्क करती है, प्रीटी मच इंटरेस्टिंग वेबसाइट है, डेफिनेटली आप ट्राई आउट करके देखिएगा। अगर आप मेरे लिंक्स के थ्रू, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड करे हैं, मेरे लिंक्स के थ्रू अगर आप जाएंगे इस वेबसाइट पर और रजिस्टर करेंगे तो आपको 2 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है एक्स्ट्रा। तो आपको 2 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, आप इसको ट्राई करके देखो, अगर आपको पसंद आता है दैट वेल एंड गुड है, और नहीं आता तो फिर आप सब्सक्रिप्शन को बंद कर सकते हो। तो एक बार ज़रूर इस वेबसाइट को जाके चेक करिएगा, बहुत ही अमेजिंग म्यूज़िक आपको इस पे देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा ये जो कंपनी है इसकी फुटेजेस भी आती हैं। अगर आप कोई स्टॉक फुटेजेस देखते हो तो जैसे मैं दिखाता हूँ आपको इनकी फुटेजेस वाली वेबसाइट, ये एक सेपरेट वेबसाइट है, इसका सेपरेट सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। इसको बोलते हैं artgrid.io। तो artgrid.io में बेसिकली आपको स्टॉक फुटेजेस मिल जाती हैं, काइंड ऑफ ये फुटेजेस आप देख रहे हैं। स्टॉक फुटेजेस का मतलब ये होता है कि आपको वीडियोस होते हैं, 10-10 सेकंड के स्टॉक वीडियोस होते हैं, जिन्हें आप डाउनलोड करके और अपने किसी भी पर्टिकुलर कमर्शियल वर्क में यूज़ कर सकते हो। और इसके ऊपर मैं एक सेपरेट ट्यूटोरियल बनाऊंगा, क्योंकि इसका सब्सक्रिप्शन भी मैं लेने का प्लान कर रहा हूँ, अभी मैंने लिया नहीं है इसका सब्सक्रिप्शन। जब भी मैं लूँगा आपके लिए डेफिनेटली इसका ट्यूटोरियल आएगा। और तो दैट्स इट अबाउट इन दिस वीडियो। मुझे लगता है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक्स को जरूर ट्राई आउट करके देखिएगा। साथ में फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे रॉक।